नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपका फिर स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी थोड़ी चोट लग रखी है तो इसके वजह से वीडियो और डिले हो रही है और पीछे थोड़ा शोर भी आएगा क्योंकि घर में काम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको इग्नोर कर देना। और मैं थंब से ही एडिटिंग करता हूँ इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, एक महीने हो गए कोई वीडियो नहीं आई, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अभी मेरे पास है ये OnePlus 8 का बॉक्स, तो इसी को हम जल्दी से अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसी के बारे में आगे बात करते हैं। तो जल्दी से बिना देरी किए जल्दी से बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। और हाँ, अगर लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये है हमारे पास रेड कलर का OnePlus का बॉक्स जो कि बहुत बड़ा है, पीछे हमें देखने को मिल जाता है। इसमें 12 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है, ऑनिक्स ब्लैक इसका कलर है, इसमें क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। साइड में हमें OnePlus 8 Pro की ब्रांडिंग दिख जाती है, सामने की तरफ 8 बड़ा सा लिखा हुआ है, OnePlus 8 का है इसलिए। और जल्दी से इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं, हम देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो जल्दी से लिड हटा देता हूँ मैं, लिड के अंदर तो कुछ नहीं है, साइड में रख देते हैं। तो सामने की तरफ हमें OnePlus 8 Pro देखने को मिल जाता है, इसको निकालते हैं जल्दी से। तो कुछ ऐसा है फ़ोन, इसको जल्दी से अभी मैं साइड में रख देता हूँ, देखते हैं अंदर बॉक्स में क्या क्या है। तो ये सेक्शन है, इसको जल्दी से निकाल लेता हूँ मैं। तो ये इसके अंदर भी कुछ है, तो इसको खोल के देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें इसके अंदर। इसमें खोल लेते हैं इसको, तो बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है। तो इसमें अभी हमें ये रेड केबल क्लब कार्ड देखने को मिलता है, इससे आप केबल की वारंटी शायद कवर कर सकते हो, इतना मुझे ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। तो यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, तो ये सब तो हमें पढ़ता नहीं। यहाँ पे हमें ISR वैल्यू देखने को मिल जाती है, और इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और आगे हमें क्या देखने को मिलता है, ये प्लास्टिक रिसाइकलेबल है ये देखने को मिल जाता है, तो ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं पॉज करके। और यहाँ पे हमें स्टिकर्स मिल जाते हैं OnePlus की तरफ से आने वाले, इतने सारे आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको। और देखते हैं हमें और क्या मिला है, और ये क्विक स्टार्ट मेन्यू है, इसको भी हम नहीं पढ़ते। और ये सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और आखिरी में ये हमें इन्विटेशन लेटर मिलता है, इसको हम नहीं पढ़ने वाले। अच्छा हाँ, ये इसमें इजेक्टर टूल भी रह गया, ये इनविटेशन लेटर के पीछे ही था, तो इसको साइड में रखते हैं बॉक्स के अंदर। यहाँ पे हमें सामने की तरफ कवर मिल जाता है, फ्लेक्सिबल कवर, और पीछे यहाँ पे नेवर सेटल लिखा हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो ये पूरा फ्लेक्सिबल है। इसको हम अभी फ़ोन पे लगाएंगे, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमें अंदर की तरफ केबल मिल जाती है, सी टाइप केबल, हमेशा की तरह रेड में, जो कि OnePlus हमें रेड में ही देता है। और इधर साइड में हमें वॉप चार्जर मिल जाता है, जो कि 30 W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, हमेशा की तरह बहुत बड़ा और मस्त सा चार्जर है ये, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और देखते हैं बॉक्स के अंदर और कुछ जो नहीं है, तो बॉक्स बस खाली हो गया है और कुछ नहीं है बॉक्स में, इसको साइड में रखते हैं। हाथ में पकड़ने से ही प्रीमियम फील हो रहा है, और इतना मस्त कैमरा भी है पीछे की तरफ। तो जल्दी से इसको हम कवर चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही महंगा फ़ोन है तो इसको हम गिराना नहीं चाहते, और हम इसको जल्दी से तोड़ना भी नहीं चाहते, तो जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। अरे हाँ, इसकी डिटेल के बारे में तो बात ही नहीं की, तो जल्दी से इसका कवर हटाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं कवर हटा लेता हूँ, फिर बात करते हैं इसके बाहर आउटर डिटेल्स की। यहाँ हमें वो लेफ़्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है, जिससे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो आपको शायद सही से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम रॉकर, नीचे की साइड हमें मिल जाता है ड्यूअल सिम स्लॉट, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। और इधर हमारा राइट साइड में मिल जाता है हमें पावर ऑन ऑफ बटन, जिसके जस्ट ऊपर है ये अलर्ट स्लाइड, और ऊपर की तरफ हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं जल्दी से बूट, फर्स्ट बूट इसका,
और मैं आपको सब सेटअप करने के बाद में, लेकिन सबसे पहले बैक की साइड देख लेते हैं। कैमरा यहाँ पे हमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX689 सेंसर का मेन कैमरा, फिर 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसमें माइक्रो मोड भी अवेलेबल है, और सबसे नीचे 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, और साइड में है 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर कैमरा, और ये ऑनिक्स ब्लैक कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने पूरा सेटअप कर लिया फ़ोन को, जल्दी से ऑन करते हैं और देखते हैं इसके अबाउट सेक्शन में क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं इस फ़ोन में। जल्दी से अबाउट फ़ोन खोल लेता हूँ मैं। इसमें हमें 12 GB रैम देखने को मिलती है, 865 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 120Hz का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो मुझे तो इसकी डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया लगी, 120Hz की डिस्प्ले है। इसमें पबजी और बाकी गेम, फोर्टनाइट जैसे गेम 90 FPS पे आराम से चलेंगे। इसका कैमरा देखते हैं कैसा है, तो फ्रंट कैमरा देखता हूँ मैं, बढ़िया है और एकदम मस्त कैमरा। फ़ोटो खींच लेता हूँ पहले, तो बढ़िया है, बढ़िया एकदम कैमरा है। कुछ पिक्स शेयर कर देता हूँ जो इसी के रेयर कैमरा से क्लिक किया मैंने। इसका फिंगरप्रिंट भी टेस्ट कर लेते हैं, तो एकदम स्मूथ चल रहा है, जैसे ही टच करने पे खुल जा रहा है, तो ऐसे टच किया और खुल गया। एक और बार ट्राई करते हैं, तो बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो फेस आईडी भी एकदम मस्त वर्क कर रही है। एकदम पावर बटन दबाते ही एकदम से खुल जा रहा है, थोड़ा एक सेकेंड भी नहीं लग रहा, तो बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी है। और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, तगड़ा फ़ोन है, कैमरा वैमरा सभी अच्छा है। तो मैं अब जल्दी से गेम की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेन तो इसमें 90 FPS का कमाल है, तो हम इसमें 90 FPS में गेम खेलेंगे। तो सबसे पहले हम खेलेंगे फोर्टनाइट, जो कि बहुत ही बड़ा गेम है और बहुत ही तगड़ा गेम भी बोलते हैं लोग। मैंने तो आज तक नहीं खेला, क्योंकि मेरे फ़ोन में कभी सपोर्ट ही नहीं हुआ, तो ये वन प्लस में सपोर्ट होता है। तो जल्दी से इसको लोडिंग होने देते हैं और इसको ऑन करके हम 90 FPS में खेलेंगे। तो ऑन होने देते हैं इसको आराम से, लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी अभी इंस्टॉल किया है मैंने, तो ये कनेक्टिंग हो रहा है, तो थोड़ा नेट भी स्लो है, तो ये ऑन हो गया। ये हमारा गेम चालू हो गया है। जल्दी से सेटिंग पे जाके ग्राफिक हम हाई कर देते हैं। सबसे पहले ये 90 FPS पे सेट करते हैं। और क्या क्या है इसमें, ये सब छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी नॉर्मल कर देते हैं, और यहाँ पे FPS दिखाने वाला ऑन कर देते हैं। अब इसको सबको अलाउ कर देते हैं, सेव कर देते हैं सेटिंग को अपनी, और जल्दी से हम गेम ऑन करते हैं अपना, जल्दी से प्ले करते हैं हम। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फोर्टनाइट के प्लेयर्स थोड़े मोबाइल में कम हैं, तो इंतज़ार करते हैं थोड़ा। हमारा गेम ऑन हो चुका है, तो जल्दी से सेटिंग भी देखते हैं ग्राफिक कौन से पे सेट है। तो यहाँ पे 90 FPS दिखा रहा है, और सब कुछ 100% पे सेट है, फुल ग्राफिक्स में खेलेंगे हम। तो इसको कट करते हैं, हमारा FPS भी शो कर रहा है, नीचे दिखा रहा है, तो इसको कट करते हैं। आप ऊपर कॉर्नर में देख सकते हैं FPS शो कर रहा है, 80 ऊपर ही है, 80 के ऊपर ही FPS आ रहे हैं, यानी कि 90 FPS पे चल रहा है ये अच्छे से, तो एकदम स्मूथ तो कंट्रोल हो रहा है। अभी जल्दी से इसको लैंड कराते हैं। तो फोर्टनाइट मैंने आज से पहले नहीं खेला है, आज पहली बार ही खेल रहा हूँ, तो थोड़ा सा, और मेरा थंब भी यूज़ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि चोट लगी है, तो थोड़ा देख लेना, इतना भी अच्छा नहीं खेल पाऊँगा। तो आपको दिखा देता हूँ, इतना स्मूथ चल रहा है 90 FPS में, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को यूज़ करने में, इसको खेलने में मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि एकदम स्मूथ चल रहा है ये। तो ये सामने बंदा आ गया, क्या इसको मारना, ये अपना बंदा है कौन सा है,
कुछ समझ भी नहीं आता मेरे को इसमें, तो ये तो अपना ही बंदा है शायद। तो अभी इधर मैं इसको तोड़ के जाता हूँ मारने, कोई होगा सामने तो मैं ही ना मर जाऊँ। ये सामने बाहर की साइड एक बंदा दिख तो रहा है, ये इसको मारते हैं जल्दी से। हाँ इसको, या एक को तो मार दिया, तो और भी बंदे होंगे। ये थोड़ा ब्राइट ज़्यादा हो जा रहा है, मैंने पीछे अंधेरा भी कर रखा है, तो अभी आपको थोड़ा ठीक से दिख रहा हो कि ये कहाँ से मार रहा है, कौन मार रहा है पता नहीं यार, देख लेना थोड़ा, मुझे खेलना भी नहीं आता। तो आप देख सकते हो ऊपर FPS 80 अबव भी आ रहे हैं, तो बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे मैं नॉक भी हो गया, तो अब इसको बंद करते हैं। तो अपना पबजी गेम, जो मेन गेम है अपना पबजी, उसको देखते हैं खेल के। उसमें भी हम 90 हर्ट्स पे खेलेंगे, 90 हर्ट्स बोल रहा हूँ, 90 FPS में। तो अब चलते हैं अपने पबजी की तरफ, मेन गेम जो हम खेलते थे पहले भी, क्योंकि वही हमारे फ़ोन में सपोर्ट होता था, लेकिन इस फ़ोन में हम 90 FPS में खेलेंगे, जो दूसरे फ़ोनों में 90 FPS में नहीं चलता। तो जल्दी से ऑन करते हैं इसको, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे वेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये लाइट स्पीड एंड क्वांटम, ये हमारा अपडेट चेकिंग हो रहा है, अपडेट है कि नहीं, कोई अपडेट नहीं है। तो जल्दी से ऑन हो जाइए, लोडिंग हो रही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको ऑन होने में, 10 से 15 सेकेंड ही लगे, ज़्यादा नहीं। और इसको जल्दी से हम आर्केड मोड ही खेल लेते हैं, इतना प्रो प्लेयर तो नहीं हूँ, लेकिन एक आध खेल तो कर ही लेंगे। तो जल्दी से एक दो और को मारते हैं, ये मर गया, दोबारा मर गया। चलो इतना, अभी तो अल्ट्रा HD सेटिंग थी, दिखा देता हूँ आपको मैं फिर से। ये यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट्रा HD सेटिंग्स हैं, सब कुछ हाई पे है अल्ट्रा HD। तो ये आप देख सकते हो कितना स्मूथ चल रहा है। अभी एग्ज़िट कर देता हूँ मैं मैच, और आपको 90 FPS पे करके दिखाता हूँ, स्मूथ में 90 FPS पे चलता है। तो ये सब हटाते हैं, सेटिंग में जाते हैं सबसे पहले, ग्राफिक्स में। तो यहाँ पे स्मूथ में जाके ये 90 FPS का ऑप्शन आता है, इसको 90 FPS में करके हम अपना अरीना फिर से ऑन करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना स्मूथ चल रहा है 90 FPS में। तो जल्दी से ऑन हो जाए, तो ये गेम मेरा तो कभी भी इतनी जल्दी ऑन नहीं हुआ, बहुत ही फास्ट काम कर रहा है ये फ़ोन। तो अभी मैं जल्दी से FPS की सेटिंग ऑन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को नीचे FPS दिखा सके कितना FPS में चल रहा है। तो नीचे आपको दिखा रहा है FPS, आप देख लो, और इतना स्मूथ चल रहा है। तो जल्दी से खेलते हैं, एक आध किल करते हैं, देखते हैं कोई बंदा मरता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो खेलना नहीं आता, बहुत महीनों से नहीं खेला मैंने, मतलब गेम ही नहीं खेलता मैं। ये एक किल तो हुआ, मतलब ये गोल 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 मार दिया यार दोनों ने मिलके। चलो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इतना ही गेम प्ले रखते हैं इसका। तो अभी मैं इसी कैमरा से शूट कर रहा हूँ, 1+8 के फ्रंट कैमरा से, और आपको इसी के माइक्रोफोन से आवाज़ भी आ रही है। तो आप क्वालिटी बता देना, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है क्वालिटी में, क्योंकि मैं पहले MI Note 6 Pro यूज़ कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, और अभी आप इसी कैमरा से देख रहे हैं, तो एकदम से अचानक से जो चेंज आया है, तो थोड़ा सा झेल लेना, क्योंकि इस कैमरे से नहीं आने वाली वीडियो पहले वाले कैमरे से ही आने वाली है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसका कैमरा फ्रंट वाला जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, वो 16 मेगापिक्सल का, और जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं है रूम में, लेकिन लाइट बहुत ही अच्छी दिख रही है। और इसमें हमें मिल जाता है 120 हर्ट्ज़ का फ्लूइड डिस्प्ले, जो कि बहुत ही तगड़ा चलने वाला है, और गेमिंग तो आपको पता ही है स्मूथ कराएगा ही। और इसमें हमें मिलता है 865 स्नैपड्रैगन, जो कि बहुत ही तगड़ा स्नैपड्रैगन है। तो बैक कैमरा भी बहुत ही बढ़िया है, 48 मेगापिक्सल का, और ये जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है उसको थोड़ा अवॉइड कर देना। तो जो अभी मेरे पास 1+8 Pro है, वो है 12 GB रैम और 256 इंटरनल स्टोरेज के साथ, और इसका कलर है ऑनिक्स ब्लैक, पता नहीं कौन सा ब्लैक है, लेकिन जो इसमें लिखा है वही बता दूंगा। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 60,000 बहुत बड़ी कीमत होती है। तो
लेकिन बहुत ही अच्छा फ़ोन है, अगर आपको लेना हो तो 60,000 की कीमत में बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, पूरी क्वालिटी देता है आपको, लैग तो नहीं करेगा बिल्कुल भी, 30 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ भी आता है, ओवरऑल एकदम बीस्ट है ये फ़ोन, तो आप ज़रूर ले सकते हैं इसको अगर आपको लेना हो 60,000 के आसपास का फ़ोन। और वैसे आप आईफोन भी प्रेफर कर सकते हो क्योंकि आईफोन तो बेस्ट ही होता है हमेशा, लेकिन मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, तो इसलिए आईफोन भूल जाना, अभी इसी फ़ोन पे फोकस कर लो, क्योंकि ये वीडियो बस इसी फ़ोन के लिए है और कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो बस इतना ही था इस फ़ोन के बारे में, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं अगले महीने यानी कि मार्च में, क्योंकि मैं कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है उस वक्त। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि वो वीडियोस आप जल्द से जल्द देख सकें, और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो ये वीडियो, बहुत ही अच्छी मतलब अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।